नमस्कार। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज और महिला एसपी संगीता कालिया एक बार फिर आमने सामने हैं। संगीता कालिया पानीपत में तीसरी बार भी विज की अध्यक्षता में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में नहीं पहुंची। बैठक से ठीक पहले वह एक दिन की अजायंत लीव पर चली गईं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस पर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शिकायत करने की बात कही है। दोनों के बीच विवाद काफी पुराना है। करीब 2.5 साल पहले फतेहाबाद में विज और महिला एसपी के बीच विवाद हो गया था। यह विवाद काफी सुर्खियों में आ गया था और प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। फतेहाबाद में नवंबर 2015 में कष्ट निवारण समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और एसपी संगीता कालिया के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई थी। मंत्री ने एसपी को गेट आउट कह दिया था। इस पर संगीता ने भी अनिल विज को उनके ही अंदाज में जवाब दे दिया था। इसके बाद मामला गर्माने पर संगीता कालिया का तबादला कर दिया गया था। अब उनको पानीपत का एसपी बनाया गया है। यहाँ भी दोनों का आमना सामना हो गया। विज पानीपत के प्रभारी मंत्री हैं और इस कारण वह जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेते हैं और संगीता बैठक में नहीं आ रही हैं। इसे दोनों के बीच पुराने विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान एसपी संगीता कालिया को फोन पर उनसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मंत्री विज के पूछने पर एएसपी चंद्रमोहन ने बताया कि मैडम को जरूरी काम आ गया था, वह एक दिन की अजेंट लीव पर गई हैं। करीब 2.5 साल पहले 27 नवंबर 2015 को फतेहाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज महिला पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया पर सरेआम बिफर पड़े थे। संगीता उस समय फतेहाबाद की एसपी थी। मंत्री जी ने अपना रूप दिखाया तो संगीता ने भी उसी अंदाज में उनकी बात का विरोध किया। इस दौरान उनके बीच तीखी कहासुनी हुई थी। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कर रहे थे। बैठक में जन शिकायतों की सुनवाई हो रही थी। विवाद बढ़ गया और इससे हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। दोनों में कहासुनी बढ़ी तो तैश में आए स्वास्थ्य मंत्री ने एसपी से कहा, गेट आउट कहते हुए बैठक से निकल जाने को कह दिया। इस पर एसपी ने जवाब दिया, सरकारी ऑफिसर हूँ, यहाँ से नहीं जाऊँगी। इस बात पर भड़के अनिल विज बैठक से उठकर चले गए। बैठक से जाते हुए विज ने कहा, जब तक यह एसपी यहाँ है मैं किसी बैठक में नहीं आऊँगा। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था और पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माया गया था। विरोधी दलों ने अनिल विज को निशाने पर ले लिया था। विवाद के अगले ही दिन 28 नवंबर 2015 को संगीता कालिया का फतेहाबाद से तबादला कर दिया गया था। संगीता कालिया को मानेसर स्थित चौथी IRB का कमांडेंट बना दिया गया था। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।